1, 3 スノー、ドゥールワネ、パス、アオ、パス、アケ、ベッジャオ、ドゥールワネ、パス、アオ、パス、アケ、ベッジャオ、バッパテキ、トゥムコ、ナタディカネ、アイヘ、ナタディカネ、アイヘ、हम आज की युवा पीढ़ी लेकर आए हैं स्वराजित स्वनिर्देशित स्वनिर्मिति एनआईटी एनएसएस टीम निर्मित दुख का नाटक जिसका शीर्षक है मेरा भारत महान। 45 में आजादी मिली और 1950 में भारतीय संविधान के रूप में हमारे मूलभूत अधिकार मिले। क्या आज की युवा पीढ़ी ये सब जानती है? तो आइए हम सब मिलकर जानते हैं। क्या आपको पता है मेरे कॉलेज का ट्रिप गोवा जा रहा है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलो अंदर काम करो, जाओ। पापा, हमारे कॉलेज की ट्रिप जा रही है गोवा, क्या मैं जाऊँ? अरे बेटा जाओ, बिल्कुल जाओ। बोलो कितने चाहिए? पापा 10,000। ये लो। थैंक यू पापा। बताओ बेटा, एंजॉय कर। पापा ये तो गलत बात हो गई, वो छोटा है फिर भी आप उसे जाने दे रहे हो और मुझे क्यों नहीं? बेटा वो लड़का है और वो जा सकता है, और तुम एक लड़की, और मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता। ये वाला क्या बात हुई? क्या मुझे कहीं जाने का कोई अधिकार नहीं? अधिकार संविधान ने हम सभी को जीवन जीने का पूरा अधिकार दिया है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। जब चलना ही नहीं आता तो सड़क पर चलते क्यों हो? अरे भाई चलना तो आता है, देखना नहीं आता। घर से बाहर मत निकलो, घर पे रहो। एक अंधा आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता? क्यों, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार भारत संविधान ने हम सभी को दिया है और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। सॉरी अंकल। पापा, मैंने एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर चुकी हूँ, अब मुझे आगे कॉलेज में पढ़ना है। क्या करोगे पढ़ लिख कर? वैसे भी अगले साल तुम्हारे मैंने शादी तय कर दी है। मुझे आगे पढ़ना है, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। कोई पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं, चलो जाओ काम करो। क्या मुझे आगे पढ़ने का भी कोई अधिकार नहीं है? क्या मैं सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुई हूँ? शिक्षा का अधिकार, संविधान ने सभी को शिक्षा का पूरा अधिकार दिया है और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। सिर पर हेलमेट नहीं है, चलना ऐसे देगा। तुम्हें पता है हमारे चाचा विधायक है? तू चाहे विधायक का भतीजा है बेटा, अमीर हो या गरीब, कानून तो सबके लिए बराबर है। सही बात है, कानून सबके लिए एक है, चाहे वो ऊंचे दर्जे का हो या नीचे दर्जे का। बहुत चाय लाना? लाती हूँ भाजी। कितनी देर? तुझे तेरी सासू मां कर सकती हूँ। भाई हम लोग बचपन में बहुत सुनते थे, हमें बचपन में टीचर बहुत पढ़ाते भी थे कि भारत हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। अब क्या भूल रहे हैं आइए ये लोग जानते हैं। इससे पहले कास्टिज्म के ऊपर बहुत हिंदुज्म और कास्टिज्म चल रहा है, मुस्लिम देखते हैं पहले क्या क्या करते हैं। राम भजन कर रहे हैं हम। यहाँ राम भजन क्यों कर रहे हो? ये तो मस्जिद है, यहाँ से नमाज पढ़ी जा सकती है, चलो निकले यहाँ से। अरे निकलो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, ये मंदिर।
सकते, चलिए उठिए ऐसे। हम अपने अल्लाह को कभी भी कहीं भी याद कर सकते हैं, हमारा अधिकार है, संविधान हमें इसकी आदत देता है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई भी परमात्मा का नाम कहीं भी और कभी भी ले सकता है, ये हमारे संविधान ने हमें पूरा अधिकार दिया है। आप ही लोग बताइए क्या रखा है इस भारत देश में, शर्म आती है मुझे भारतीय कहने पर। काश मैं अमेरिका जैसे बड़े देशों में पैदा हुआ होता तो आज मैं बड़े बड़े बंगलों में रहा होता, कारों में घूम रहा होता, एसीज में आराम कर रहा होता। काश बेटा मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, आते समय लेते हुए आना। क्या हमारा सुबह सुबह टोक दिया आपने, क्या मुझे क्या मुझे जीने का भी अधिकार नहीं दिया आपने, मुझे चैन से जीने नहीं दिया। हेलो खालो, अगर समझ में आती है तो उसके ऊपर अमल करें। जय हिंद।